नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा, सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये एक वीडियो कमेंट के ऊपर है। उनका कहना था कि उनके घर में जो हमेशा होता है जो पोल से न्यूट्रल कट जाता है, ठीक है, पोल से न्यूट्रल का जो तार होता है वो हिल जाता है, तो ये किस तरीके से वो खुद पता करे यार ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है। तो जहाँ तक क्यों हो रहा है ये मैं बता सकता हूँ कि आप अपने घर में MCV का यूज यदि नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी आपका हैवी लोड या शॉर्ट सर्किट करता होगा, तो सीधा आपका अगर फ्यूज नहीं उड़ पा रहा तो आपका क्या होता था, सीधा आपका पोल से आपका न्यूट्रल कट जाता है। ये मेन रीज़न रहता है कि आप अगर आपके घर में MCV नहीं लगा हुआ है तो आप MCV का यूज कीजिए, क्योंकि MCV बिना फ्यूज के ही आपके जो पोल से न्यूट्रल कटता है हमेशा, ठीक है। तो आपका अगर घर में पोल से न्यूट्रल कट भी रहा तो आप किस तरीके से पता करें। तो उनका क्या करते हैं, इस जो वीडियो बनाए इसका हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये जो वीडियो इसके साथ हम इसके बारे में जानकारी हो जाएगा तो हमारा जो काम है वो दोबारा हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड है, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, किस तरीके से किया, ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ देखिएगा, ये जो मीटर है, ये जो मीटर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये मीटर में हमारा जो मेन है, ठीक है, वो इस जगह इन किया है, जो फेज का वायर है, ठीक है, ये आउट यहाँ से किया है, और हमको हम इसको इसी इस टर्मिनल कहीं भी डाल सकते थे, ये किटकिट फ्यूज में, तो हमने इस टर्मिनल में डाला है, ठीक है। अब यहाँ से आउट करके हम जो लाया है इसको, ठीक है, ये जो फ्यूज के थ्रू आउट हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज, ये देखिए, हमने यहाँ से ये लाल वायर हमारा फेज का वायर था, हमने इसको इन कराया, ठीक है, हम इसको यहाँ से इन कराया है, और आउट देखिए उसका बगल ही में हमारे पास जो लाल वायर है हमने उससे आउट किया है, ठीक है, देखिए इससे आउट किया है, और सेम इस तरीके से आउट हुआ है ये फ्यूज में, ठीक है, ये फ्यूज से आउट करते हुए हमने इसको यहाँ से लाया है इस वायर को, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया डायग्राम में फ्यूज में लाया। अब हम यहाँ से क्या किया, यहाँ से लाया है सेम, और यहाँ फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने दिया है, ठीक है। तो हमारा ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड का ये देखिए, ये जो हमने यहाँ से वायर आया है ये हमारा फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने दिया है, ठीक है, ये फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने ऑलरेडी अभी दे दिया है। लाइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा हो गया मेन कनेक्शन, हमारा मेन का। अब हमारा जो न्यूट्रल आया, ठीक है, न्यूट्रल हमारा आया यहाँ से और इन किया है न्यूट्रल हमारा यहाँ, और आउट किया है न्यूट्रल हमारा यहाँ पे, ठीक है। आउट करके हम कहाँ लाया है, ठीक है, हम आउट करके इसको हमारा ज़रूरत कहाँ कहाँ है, एक हमें ज़रूरत यहाँ न्यूट्रल का, एक यहाँ होगा, एक न्यूट्रल का ज़रूरत हमारे इंडिकेटर में होगा, ठीक है, सॉकेट का ज़रूरत होता है और इंडिकेटर में ज़रूरत होता है। तो पहले क्या करते हैं, बोर्ड वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने न्यूट्रल इन आउट कर दिया है, हमारा जो इन हुआ है यहाँ पे हुआ है, ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, इन यहाँ किया है और आउट उसके बगल वाले टर्मिनल से किया है, और ये सीधा आया है हमारा बोर्ड में, ठीक है, ये बोर्ड में आया। तो ये बोर्ड में कहाँ कहाँ इसका ज़रूरत है, एक ज़रूरत यहाँ पे है, एक ज़रूरत यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेन का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसे फ्यूज से हमारा आउट किया, हमारा जो फ्यूज से आउट करता है वो मेन कहाँ कहाँ जाता है, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, दो स्विच हमने यूज किया है, यहाँ देखिए दो स्विच है, ठीक है, और साथ में एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हमें मेन का ज़रूरत होगा, तो हम क्या करें इस तरीके से आउट करेंगे, देखिए हमारा एक यहाँ आउट करेगा और एक यहाँ इंडिकेटर में आउट करेगा, यहाँ इंडिकेटर में आउट किया और एक यहाँ पे हमारा, मैंने क्या होगा, देखिए ये फ्यूज से निकलेगा कनेक्शन, ठीक है, एक इंडिकेटर में वायर जाएगा, इंडिकेटर से लूप होके एक स्विच और ये दो दो स्विच, हमारे तीनों स्विच और एक इंडिकेटर को हमको फेज के वायर से हमको शॉर्ट कराना है, ठीक है। उसके बाद एक स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक सॉकेट से एक वायर यहाँ पे आ जाएगा, जो सॉकेट से एक वायर हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ एल होगा, ये आप देख लीजिएगा, जहाँ एल होगा वहाँ हमारा लाइन जाएगा, ठीक है, और हमारा न्यूट्रल का जरूरत कहाँ, एक यहाँ पर जरूरत है और एक यहाँ जरूरत है, तो हम न्यूट्रल का एक लूप बना के हम यहाँ से यहाँ दे देंगे, मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ भी दे सकते थे और यहाँ दोनों जगह जरूरत है, तो हम ये जो न्यूट्रल का हमारा वायर आ रहा, ठीक है, ये न्यूट्रल का जो वायर आ रहा हम यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, हमारा जहाँ इच्छा है वहाँ दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाता हूँ और लाके यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ भी दे सकते थे, हम यहाँ दे देते हैं फिलहाल। तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ भी दे रहे, तो यहाँ भी फुल हो जा रहा, दोनों जगह न्यूट्रल पहुँच जा रहा, तो ये हमने किया है, हमारा न्यूट्रल यहाँ से आया है, देखिए यहाँ से हमने आउट किया और ये देखिएगा, तो हमने यहाँ ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर में ये वायर हमारा आया, यहाँ से दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर में हमारा वायर आया, मेन वायर है, न्यूट्रल हमारा यहाँ घुसा है, ठीक है। इसके साथ एक वायर जो ये देखिए,
ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये 5 पिन सॉकेट में शूट किया हुआ है, ठीक है। और ये 5 पिन सॉकेट से एक वायर हमारा गया है इस बल्ब में, इस बल्ब के लिए गया है एक वायर, ठीक है। ये वायर जो गया है दूसरा, ये यहाँ से बल्ब के लिए गया। तो ये कनेक्शन कहाँ से हुआ? तो देखिए ये बल्ब जो है, ठीक है, इस बल्ब को जलाने के लिए फेज न्यूट्रल दोनों का जरूरत होगा। तो हम न्यूट्रल कहाँ से दिए? हम न्यूट्रल आया यहाँ से और न्यूट्रल यहाँ से दिए। और हमारा इसका जो बल्ब का मेन निकला है वो कहाँ से निकला? यहाँ से निकला है, ये समझ रहे हो? जो फ्यूज के ऊपर टर्मिनल से हमारा मेन निकला, न्यूट्रल हम बल्ब के लिए यहाँ से दिया। तो सेम देखिए ये जो पीला कलर का वायर होगा, ठीक है, दो वायर आया इस होल्डर से, दो वायर आया। तो एक वायर को हमने स्विच को बीच ले, देखिए स्विच के ऊपर ले टर्मिनल में हमने दे दिया है। और जो उसका न्यूट्रल आया, न्यूट्रल हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है, ठीक है, ये सॉकेट के साथ। ये दोनों वायर जो आया है, ये दो वायर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन है। तो मेन इनका क्वेश्चन था क्या, तो मैंने कनेक्शन के बारे में बता दिया कि हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होगा। पर मेन क्वेश्चन है इनका जो न्यूट्रल, ठीक है, हम क्या करते हैं बोर्ड को पहले बांध देते हैं। इनका जो न्यूट्रल बार बार कटता है तो उसका पहचान कैसे करें हम? करते हैं मुद्दे लाबाद। हमारा मुद्दा था जो कि अगर हमारा न्यूट्रल कटता है तो हम किस तरीके से पता करें कि हमारा जो पोल से न्यूट्रल कटा है ना कि घर में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ आपके घर में MCB यूज़ कीजिए कि पोल से MCB के कारण ही हमेशा आपका न्यूट्रल कटता है। तो आपको क्या करना है, देखिए देखिए इस जगह 5 पिन सॉकेट में ही देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने स्विच के इस टर्मिनल को, मैं हमारा लाइट जल रहा मेन आ रहा, हम इसको ऑफ करेंगे तो ये बुझ जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ देखिएगा तो यहाँ न्यूट्रल में आपका नहीं चलेगा। पर आपका जब न्यूट्रल, देखिए इस जगह मीटर में हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा मेन है लाल कलर का वायर, ये इसमें जल रहा, बल्कि न्यूट्रल जो वायर है उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, अभी न्यूट्रल हम हटा देते हैं। सपोज हमारा न्यूट्रल पोल से कट गया, तो अब देखिएगा आप इन दोनों टर्मिनल में आपका लाइन भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल में अगर जल रहा है तो इसे कन्फर्म होता है कि आपका जो पोल से न्यूट्रल कट चुका है। और फिर बहुत से रीजन होते हैं, कभी कभी न्यूट्रल हमारा कहीं बोर्ड से या MCB से हट जाता है, उसके चक्कर में भी हमारा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, घर में। पर ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा मेन आ रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी आएगा, तो हमारा जो होगा फेज और न्यूट्रल दोनों में करंट दिखाई देगा ऐसे देखिएगा। तो उसका कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि कुछ भी चीज़, अगर हम एक बल्ब का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक बल्ब का एक वायर में हमारा मेन आ रहा है और दूसरा में न्यूट्रल आता है तभी जलता है। पर अगर ये क्या होगा, एक वायर में फेज आएगा और दूसरा में न्यूट्रल नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये यहाँ से पास होते हुए न्यूट्रल में भी मेन चल जाता है। इसके बारे में मैंने अच्छे खासे 2-4 वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख ले तो आपको समझ में आसानी होगा। हाँ, पर इतना समझ लें, न्यूट्रल जब कटता है तो आपके मीटर में, मीटर के पास हमेशा वो दोनों में इंडिकेट करेगा। आप टेस्टिंग होल्डर से यूज कीजिए, और टेस्टिंग होल्डर से आपका 100 वोल्ट का बल्ब नहीं जलता है तो समझ लीजिए आपका न्यूट्रल कट चुका है। कभी कभी होता क्या है, क्योंकि आपके घर में इन्वर्टर लगे रहता है तो न्यूट्रल में हल्का सप्लाई होने के चक्कर में LED जो बल्ब होता है, ठीक है, वो सब आपका जल जाता है। ये सब बल्ब कभी कभी आपका जल जाएगा अगर न्यूट्रल भी कटे रहे तो, पर ये 100 वाट का बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। तो आप जब भी टेस्टिंग होल्डर का यूज कीजिए तो कम से कम 100 वाट का या 0 वाट का बल्ब का यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।